गुड मॉर्निंग टीएच एजुकेशन में आपका स्वागत है और आपके सामने खड़ा है सोनू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे पॉलिटेक्निक, यानी पॉलिटेक्निक क्या होता है और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में होंगे अभी, ठीक है। 10th के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि जब आप 10th क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता साइंस का, दूसरा रास्ता कॉमर्स का, तीसरा रास्ता आर्ट्स का, ठीक है। तो साइंस 11th 12th में बच्चे साइंस लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं और आर्ट्स भी लेते हैं। तो साइंस से आप लोग क्या बनोगे? साइंस लोगे तो आप लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं जो साइंस में काफ़ी बेटर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। साइंस में एक बढ़िया है इंजीनियर, ओके, और एक बढ़िया है डॉक्टर। कॉमर्स में सबसे बेस्ट में जो है सीए, और आर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती है जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। तो आर्ट्स ही बेटर होती है अपनी जगह पे, तीन चीज़ बढ़िया है। तो आज का हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के बारे में कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करना है उनके बारे में हम बात करेंगे। इंजीनियरिंग करने के दो रास्ते हैं, या तो आप 10th के बाद 11th और 12th साइंस साइड से कीजिए, उसके बाद आप लोग बीटेक कर लीजिए। तो बीटेक कर लोगे इसके बाद आप, तो आप लोग क्या होगा, इंजीनियर बन जाओगे। इसके अलावा एक और रास्ता होता है कि 10th के बाद आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है। पॉलिटेक्निक जो आप 10th के बाद करते हो ये होती है 3 ईयर की। कितने साल की होती है? 3 ईयर की। और इसके बाद भी अगर आप लोग चाहो तो इसके बाद आप बीटेक कर सकते हो। इसके पॉलिटेक्निक से हम बनते हैं जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियर, ठीक है, और बीटेक से हम बनते हैं सीनियर इंजीनियर, SE, सीनियर इंजीनियर। तो जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है मेरे अकॉर्डिंग उनको पॉलिटेक्निक करनी चाहिए, कि पॉलिटेक्निक काफ़ी बेस्ट है आज के टाइम में और काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो पॉलिटेक्निक जो जिन बच्चों को करना है वो 10th के बाद करें, काफ़ी बेटर है। हाँ, 12th के बाद भी आप लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हो। अगर 12th करने के बाद आप लोग पॉलिटेक्निक करते हो तो वो आपके लिए सिर्फ 2 ईयर्स की रह जाएगी, ओनली 2 ईयर्स। आपका एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर पॉलिटेक्निक में हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि आपको 12th सिर्फ और सिर्फ साइंस साइड से होनी चाहिए, और आपके जो साइंस साइड आपने की है वो होनी चाहिए PCM, यानी कि आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तभी आप लोग पॉलिटेक्निक यानी जेई इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में आप लोग जा सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। और वरना आप लोग अगर कॉमर्स के या आर्ट्स के हो तो आप लोग पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते, आपको 10th बेस पे ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक, भाई इंजीनियर बनना है पॉलिटेक्निक क्यों करें, बीटेक कर लेते हैं। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको पता है 10th के बाद 11th 12th साइंस साइड से काफ़ी टफ होती है, और उसको करने के बाद अगर आप लोग बीटेक करते हो तो बीटेक में क्या होता है कि इसका एंट्रेंस 12th के बाद अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेना है IP यूनिवर्सिटी के अंदर या अदर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका एंट्रेंस काफ़ी टफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक तो वो आपके लिए काफ़ी आसान होता है, उसका एंट्रेंस इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका बीटेक करनी है तो अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर की रह जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप 12th के बाद 11th 12th के बाद बीटेक करते हो तो वो होती है 4 ईयर की। तो देखो दोस्तों, अगर आप चाहे इधर से आके कान पकड़ो चाहे इधर से आके कान पकड़ो, आपके लगने 6 साल ही है। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो 3 ईयर इधर, और पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हो तो 3 ईयर इधर, 3 और 3 6 6 साल लगेंगे आपके पूरे। अब अगर आप 10th का 12th करते हो 2 साल यहाँ हो गए, और 12th के बाद बीटेक करते हो तो 4 साल यहाँ, 4 2 6, तब भी 6 साल ही लगने हैं आपके, तो 6 ईयर ही लगनी है। लेकिन इधर फायदा क्या है, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लोगे तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, उसके बाद भी जूनियर इंजीनियर यानी पॉलिटेक्निक के बेस पे भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं जो पॉलिटेक्निक बच्चों को हायर करती है। अब पॉलिटेक्निक इंजीनियर यानी जूनियर इंजीनियर
अब बीटेक वाले इंजीनियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे जूनियर इंजीनियर यानी कि पॉलिटेक्निक करके जो इंजीनियर आते हैं डिप्लोमा करके और जो बीटेक करके आते हैं उनकी सैलरी उनकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पोस्ट भी लगभग इक्वली होती है और सैलरी में भी 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप लोग मेरे हिसाब से पॉलिटेक्निक बेस्ट होती है। आप जानेंगे पॉलिटेक्निक कैसे करें और पॉलिटेक्निक में क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पॉलिटेक्निक 3 ईयर की होती है अगर आप 10th के बात करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, सिविल भी होती है, ऑटोमोबाइल भी होती है, कंपटेंसी। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग जो है पॉलिटेक्निक के अंदर होती है और इसके अलावा अदर भी कोर्स होते हैं जैसे फैशन डिजाइनिंग और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT, बहुत सारे होते हैं इसमें अदर कोर्स भी। लेकिन मेन जो है अगर इंजीनियरिंग करनी है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर, मेरे अकॉर्डिंग ये 5-6 इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोग इन्हें ही पूछते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग की किसने की है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या ऑटो या कंप्यूटर। इसके अलावा आप बताओगे किसी को कि मैंने जी इलेक्ट्रॉनिक से की है, वो भी अच्छी होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बेस्ट ये 5 होती है, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको ये करनी है तो 10th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, 10th के बाद आपको पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप वो क्रैक करते हो और उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तब भी आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक के अंदर होगा। तो वो आपका 10th और 12th दोनों के बेस पे होता है। अगर 10th बेस पे करते हो तो आपके लिए 3 ईयर की होगी और 12th बेस पे करते हो 2 ईयर की। अब 10th के बेस पे अभी आप लोगों के बहुत सारे 10th के बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो 10th के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब ख़त्म हो चुके हैं तो भैया अब 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, क्या करना है घर बैठे, क्यों ना पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। और 100% बता रहा हूँ, अगर आप हमारी वीडियो सारी देखते रहेंगे तो गारंटेड लेता हूँ कि आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी रैंक आएगी। और ये मेरी गारंटी है आपसे कि इसमें आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आएगी। आप लेकिन आपको सारी वीडियो रोज़ देखनी होगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। अब पॉलिटेक्निक के अंदर 10th के बाद आप फॉर्म भर दोगे, इसका दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकलता है, यूपी पॉलिटेक्निक होती है यूपी में, बिहार में भी पॉलिटेक्निक होती है बिहार पॉलिटेक्निक, हर स्टेट में अपनी अपनी पॉलिटेक्निक अलग राज्य कराता है। तो आप लोग वहाँ पे जो भी इनका फॉर्म होता होगा वो फिल कर दीजिए। अब फिल करने के बाद आपका 2-3 महीने का आपको टाइम मिलेगा जिसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका क्या आता है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके आएंगे पेपर में। और ये सब्जेक्ट इनका जो सिलेबस होगा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ये सिलेबस वही होगा जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है। 80% सिलेबस आपका 10th क्लास का होगा, 20% सिलेबस आपका 9th क्लास का होगा इसमें, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को आता भी है लेकिन उसकी प्रैक्टिस की बोझा जरूरत है और उसको रिवाइज करना पड़ेगा और किस टाइप के उसके क्वेश्चन आते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आपको सिर्फ मिल सकता है TH एजुकेशन पे। ओके, तो इसमें आता है। अब इसमें देखिए जी बैच के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली पॉलिटेक्निक की, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पॉलिटेक्निक की, ठीक है। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक में क्या होता है, एक CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, 85 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस हो गए और आपको टाइम मिलता है 150 मिनट्स, यानी कि हर पर क्वेश्चन पर 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं।
अब साइंस, साइंस में भी तीन पार्ट में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायो। फिजिक्स के आप कहेंगे 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आप कहेंगे 30 क्वेश्चन, बायो के आप कहेंगे 15 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखिए भैया, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है तो सीधी बात है उसको बायो में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं जरूरत नहीं है जिनकी बायो वीक है कि बायो के सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, मोस्टली क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आएंगे, जो कि इंजीनियरिंग की पहचान है, इंजीनियरिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री 100% रहती रहती है, ओके। तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 30 केमिस्ट्री के और 15 बायो के, तो इस तरह का आपका सिलेबस होगा, 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 85 साइंस के, 15 इंग्लिश के, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट मिलेगा, और जिसमें आपके फिजिक्स में 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे और बायो के 15 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम यहाँ पे आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है पॉलिटेक्निक की, और हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए होगी, जिसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं और कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, रेगुलर हमारी वीडियो देखनी है और घर पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप यूपी से हो, चाहे दिल्ली से, चाहे बिहार से, चाहे झारखंड से, जहाँ से भी हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो मिलेगी और आपका सिलेबस पूरा कम्प्लीट किया जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत आती है सिलेबस के रिगार्डिंग या क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, जिस तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।